स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, उसमें अब हर हफ्ते हियरिंग होती है, तो अब जल्दी जल्दी होने की संभावना है। ऐसा कब मिलेगा? तो कम से कम 5-6 महीने हमें लगता है आज। तो 30% आया तो भाई ठीक है, जिस जिसका जो आना है उसका 30% दिया जाए। तो गरीब होंगे वो ज़्यादा जरूरतमंद होंगे तो उनको थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए, पहले दे दिया जाए। तो हुए थे कि उनको हमारे केंद्र पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, देने का तो 30% जो शुरू हो रहा है। तो क्लेम का जो अर्जी है 25 नवंबर से चालू हो रहा और 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को अपना क्लेम अर्जी दे देना है। 1 महीने के बाद अगर देंगे तो वो क्लेम अर्जी जो है कानून में मानने को नहीं होता है। तो 24 दिसंबर के अंदर सबको अपना क्लेम अर्जी भर देना है। क्लेम अर्जी जो है बड़ा आसान तरीका है, उसके लिए आधार नंबर लेके आ जाए वो अपना, और हमारे जो भी कर्नाटक के निवासी हैं वो बैंगलोर वन या कर्नाटका वन जो केंद्र हैं या जो जिलों में एक अटल जी जनस्नेही केंद्र है वहाँ पे जाएं, अपना आधार नंबर ले जाएं, और जो आईएम में जो इन्होंने पैसा जमा कराया था तो एक क्लाइंट आईडी कस्टमर आईडी दिया हो वो लेके चले जाएं, वहाँ पे आधार नंबर पे अपना आइडेंटिफिकेशन कराएं और क्लाइंट आईडी कस्टमर आईडी बता के उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था उसको कन्फर्म कर दें। जिसके पास आधार नंबर नहीं है तो उसको हमने क्या एक सहूलियत दी है कि 1 रुपया वो अपने बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, केवल 1 रुपया। जब वो ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेगा, तो एक उसको ट्रांजेक्शन नंबर देते हैं वहाँ से, जो UTR नंबर या जो भी बोलते हैं बैंक की भाषा में, वो नंबर को भी देके हमारी केंद्र पे आ जाए तो उसके मुताबिक उसको हम उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। और जिन जिन का आधार नंबर से या 1 रुपया अगर उन्होंने IMA को जो वो बैंक अकाउंट जब IMA के साथ वो व्यवहार करते थे, जो बैंक अकाउंट उन्होंने IMA को डिक्लेयर कर रखा था, अगर उस बैंक अकाउंट से उन्होंने हमें 1 रुपया ट्रांसफर किया है या वो बैंक अकाउंट उनका चालू है, उनको और कोई भी डॉक्यूमेंट हमें देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उनका जो क्लेम अमाउंट वो मांग रहे हैं वो IMA के जो रिकॉर्ड है उससे मैच कर जाए, जो कि मैच करता ही है क्योंकि लोगों का IMA ने कंप्यूटर में रख रखा था, तो उससे हम मैच कर लें, तो उसको कुछ भी और डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, जो बैंगलोर से बाहर लोग, हाँ जो बैंगलोर से बाहर लोग हैं वो लोग या जो कर्नाटका से बाहर लोग हैं वो लोगों के लिए ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन में, मतलब तो जहाँ पे भी कोई इंटरनेट कनेक्शन रहेगा वहाँ से भी वो बैठ के कर सकते हैं। तो जो आपका वेबसाइट है उसी वेबसाइट के जरिए काम? हाँ, जो हमारा वेबसाइट है उसका वेबसाइट का हमने नाम बताया हुआ है imaclaims.karnataka.gov.in। कुछ और इसके बारे में अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 08 0 4 6 8 8 5 9 5 9 0 8 0 4 6 8 8 5 9 5 9 नंबर पे फ़ोन करके इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि भाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है। किसी भी कारण से लोग ये ना समझें ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही आसान काम है, हमारे केंद्र पे आके उनको आराम से हम करा देंगे। किसी भी कारण से किसी मिडल मैन के किसी बिचौलिए के पास जाके 500 1000 2000 रुपये दे के कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ही सरल और सिंपल एप्लीकेशन बनाया है इसीलिए कि लोगों को अभी तक जो तकलीफ हुई है इसकी कंपनी के ये बदमाशी से स्कैम करने से, तो पैसा उनको कितना हम वापस कर पाते हैं वो तो अभी कितना पैसा उसकी कंपनी से रिकवर कर पाएंगे कोर्ट के आदेश पे है, लेकिन अर्जी डालने में कोई भी असुविधा ना हो, तो उस तरह से बड़ा सिंपल ये काम किया है। किसी भी कारण से लोग ये ना समझे कि पता नहीं कैसे करना है, क्या है कंप्यूटर है कैसा ऑनलाइन क्या होता है, सिर्फ हमारे केंद्र पे जाए और अर्जी जाके देना। टोटल अमाउंट कितने हैं और कितना जो है आपका टेस्ट प्रॉपर्टी? अंदाजा 1 लाख डिपॉजिटर्स हैं और कोई 2900 करोड़ रुपए उनका मूल पैसा है जो वापस आ रहा है। उस पैसे पे उनको जो है महीने 3 महीने पे रिटर्न भी मिलता रहा है, अगर उसको घटा देते हैं तो कोई 1400 करोड़ रुपया वापस जाना है। और हमें जो आज तक सरकार ने
प्रॉपर्टी जो है टेम्परेरी अटैच करके दी है वो कोई 450 करोड़ रुपए की, मतलब 475 करोड़ रुपए की दी है। वो अभी जैसे मैंने बताया कि सिविल कोर्ट में उसका केस चल रहा है, जिस जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, इसमें आईएमए कंपनी की है, उसके एमडी मंसूर खान की है, उन सबको नोटिस जाके कोर्ट उनको सुनता है और कहता है कि भाई क्यों ना ये प्रॉपर्टी को पक्का अटैच कर दिया जाए, तो फिर वो आदेश देगा पक्का अटैच करने का। अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी का पक्का अटैच करने का आदेश आया नहीं। इसमें कुछ डीले तो ये कोरोना के कारण 6-8 महीने कोर्टों में कोई हीयरिंग नहीं हुई, उसके कारण हुआ है। अब जो है एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, उसमें अब हर हफ्ते हीयरिंग होती है, तो अब जल्दी जल्दी होने की संभावना है। तो जब वो कोर्ट इसको कंफर्म कर देगा, फिर इसको प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए पब्लिक ऑक्शन होगा, तो तकरीबन 5-6 महीना तो कम से कम समय लगता है। तो लोग ऐसा ना समझें कि अर्जी देते ही, क्लेम अर्जी देते ही उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो अर्जी दे दें, हम उनको फिर उनके बताएंगे बाद में कि पैसा कब मिलेगा। तो कम से कम 5-6 महीने हमें लगता है आज के। सर, जैसे आपने बताया कि 1400 करोड़ रुपए देने हैं, अब 450 करोड़ ही की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर कुछ? वो तो देखिए कोर्ट बताएगा कि कैसे होगा। रेशो में दे सकते हैं कि भाई कितना हुआ, ये तकरीबन 1/3 हुआ, तो 30% आया, तो भाई ठीक है, जिस जिसका जो आना है उसका 30% दिया जाए। या कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि छोटे जो हैं, ये मान के कि छोटे हैं तो अगर गरीब होंगे, वो ज़्यादा जरूरतमंद होंगे, तो उनको थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए, पहले दे दिया जाए। ये कोर्ट में डिसाइड होगा। जब ये सारी अर्जी आ जाएंगी, पैसा पूरा आ जाएगा, उस स्टेज पे ले जाके मतलब 5-6 महीने बाद ये इसके ऊपर निर्णय होगा कि कैसे करना। सर, अटैचमेंट बढ़ सकते हैं? अटैचमेंट बढ़ तो सकते हैं, क्योंकि अभी सीबीआई काम कर रहा है। ये काम कितना अटैचमेंट, कितनी प्रॉपर्टी पकड़ना, ये काम हमारे ऑफिस का नहीं है, ये काम केवल सीबीआई का है। सीबीआई करता है और एक फॉरेंसिक ऑडिटर, मतलब क्या उसको सरल भाषा में कहें कि उसका कंपनी के जो किताब, कागज, बैंक अकाउंटों की खोजबीन करने के लिए एक बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को लगा दिया गया है कि वो देखे, इसकी खोज करे, वो भी सीबीआई को इन्फॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सरकार एक निर्णय लेता है कि भाई किसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जाए, नहीं करी जाए। तो हमारे ऑफिस का काम जो है वो प्रॉपर्टियाँ अटैच होने के बाद शुरू होता है सरकार के अटैचमेंट। उससे पहले कितना होना, और कुछ हो सकता है कि नहीं, उम्मीद इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि उम्मीद तो है, क्योंकि सीबीआई अभी पूरी अपनी खोज कर रही है, लेकिन इसके बारे में पक्की कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो या तो सीबीआई बताए या सरकार से कोई बताए। तो ये ईडी का अटैच किया हुआ था या सीबीआई का? देखिए इस केस में क्या है कि ईडी ने भी अटैच किया है, ईडी के केस भी हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उसी को सीबीआई ने भी अटैच किया है। उन्होंने दोनों ने अपने अपने अलग कानून में अटैच किया है, तो वही प्रॉपर्टी दो कानून में अटैच है। लेकिन जब एक्शन लिया जाएगा तो कोर्ट एक ही है, दोनों जो सीबीआई और ईडी है वो दोनों एक ही कोर्ट में जाते हैं। तो अल्टीमेटली उन सबका पर्पज अटैचमेंट का यही है कि जो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस दिया जाए। कोई ईडी अटैच करके अपने लिए नहीं रखता है, तो डिपॉजिटर को पैसा देने के लिए जब जाता है तो हमारे ऑफिस के थ्रू जाता है। तो कोई भी अटैच करे, तो अगर ज़्यादा कानून में अटैच कर भी लेते हैं तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर कहीं चूक से कोई एक कानून में उसको कोई मिल जाता है किसी भी कारण से, टेक्निकल उससे, तो दूसरे कानून में अगर पक्का है केस उसके ऊपर, तो उसमें पकड़ा जा सकता है। सर, कोई अपाहिज है और चल फिर नहीं सकता है, और उसके लिए क्लेम फॉर्म भरना थोड़ा दिक्कत होगा, उसके लिए कोई सहूलत है? उनके लिए देखिए इतना ही सहूलियत है कि उनको हमारे केंद्र पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि नहीं आ सकते हैं, तो फिर उसके लिए क्या है कि हमने जो ऑनलाइन फैसिलिटी कर दी कि भाई आप कहीं से भी कंप्यूटर पे बैठ के कर दो, तो फिर किसी ना किसी को उनके पास, उनके जानकार को लैपटॉप ले जाके वहाँ पे ही, जहाँ पे वो है वहाँ से फाइल कराना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके सवाल से एक और उठता है कि अगर कुछ केसेस में क्या है, किसी की डेथ हो गई है डिपॉजिटर की, या कोई कोरोना के चक्कर में लंबे उसके लिए आईसीयू में कुछ उसमें भर्ती हो रखा, हॉस्पिटलाइजेशन हो रखा, तो वैसे लोगों के केस में हम उनके नॉमिनी को, डिपॉजिटर का जो नॉमिनी उन्होंने आईएमए में डिक्लेयर किया था, वो या उनका लीगल हेयर, मतलब अगर नॉमिनी नहीं है या नॉमिनी को भी कुछ हो गया है, तो उसका कोई और लीगल हेयर अप्लाई कर सकता है।
लेकिन ऐसे केसेस में हम उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, और जो हॉस्पिटलाइजेशन का केस है उसको लोग गलत ना इस्तेमाल करें उसके लिए हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के केस को, ये जो अर्जी एप्लीकेशन है ऑनलाइन, ये दो स्टेज का होता है। इसमें पहले स्टेज में जो अपना अप्लाई करने वाला होता है अपना फ़ोन नंबर, नाम, आधार नंबर देता है। दूसरे स्टेज में अपना स्कीम के हिसाब से कौन कौन सी स्कीम में कितना पैसा है वो बताता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन वाले केसेस में हम पहला स्टेज उसको करने देते हैं, फिर पहला स्टेज उसका आ जाने के बाद उसका हॉस्पिटल सर्टिफिकेट मांगते हैं हम कंप्यूटर में, उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद 48 घंटे के अंदर उसको जवाब देते हैं कि ठीक है भाई, अब तू दूसरे स्टेज का फाइल कर सकता है। वो इसलिए कि हॉस्पिटल वाला रास्ता पकड़ के लोग किसी को जबरदस्ती रोक के उसके नाम से गलत इस्तेमाल ना कर ले। और डेथ सर्टिफिकेट का जो हमने दिया है, अगर कोई गलत डेथ सर्टिफिकेट देता है तो फिर तो क्लेम ही उसका रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। हॉस्पिटल वाले को हम उसी वक्त चेक करना चाहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा समझ के कि आपने कहा था मैं हॉस्पिटल में हूँ और तीन ही दिन के लिए हॉस्पिटल में है, पांच ही दिन के लिए है, लेकिन अर्जी देने का तो 30 दिन का टाइम है, तो हम उसमें देखेंगे भाई क्या पूरी अवधि के लिए है या मैक्सिमम अवधि के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वैसे ही केसेस को हम अनुमति देंगे, ये नहीं कि तीन दिन पांच दिन गया है तो भाई, तो ऐसा करने से लोग गलत ना इसका इस्तेमाल करना चालू कर दें। इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो डिपॉजिटर है खुद दे, उसको पता रहे, उसके नाम पे कोई कर दे, उसका जानकार या उसका कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी, उसको पता भी ना चले और बैंक अकाउंट में बदल के पैसा ले ले, ऐसा ना हो पाए। तो डिपॉजिटर को हम सहूलियत भी देना चाहते हैं और थोड़ा सा ये चेक भी रखना चाहते हैं उसको कोई गलत ना करे।